हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा की फर्स्ट योशिका आर्क चैप्टर 32 वेंडर से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। चैप्टर 31 की लास्ट में तकेजो, जिसका नाम अब मियामोटो मुशासी है, योशिका डोजो से बाहर निकल आता है। चूंकि उनकी लड़ाई आग लगने के कारण अधूरी ही रह गई, वो नाराज भी है, तब भी वो आगे बढ़ जाता है। मुशासी घायल है और उसका बहुत सा खून बह जाने के कारण आधी बेहोशी के चलते उसे ओत्सु और डेजीचिरो की झलक दिखाई दे रही है कि तभी कोई उसके सामने है, जो और कोई नहीं बल्कि ओत्सु है, जिसे इस तरह सामने देख मुशासी भी चौंक जाता है और उसे गले लगा लेता है, जिसे ओत्सु भी सहारा देती है। लेकिन महज ये उसका वहम था। मुशासी की आंखें दोबारा खुलती हैं तो उसे ताकवान दिखते हैं और साथ में एक बच्चा भी होता है। मुशासी किसी तरह उठता है, जिसे ताकवान बताते हैं कि उसके घाव अभी भरे नहीं है और उसका नर्सिंग उस बच्चे ने ही किया है। मुशासी वहाँ 3 दिनों से बेहोश था अपने जख्मों से बहुत सा खून बह जाने के कारण, लेकिन मुशासी ताकवान को उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण पहचान नहीं पाता। इस बार तकवान मुशासी को उसके पुराने नाम तकेजो से पुकारते हैं, जिन्हें मुशासी तुरंत ही पहचान जाता है। बाद में मुशासी तकवान के कहने पर उनके बाल काटना शुरू कर देता है, जिस दौरान तकवान उनसे कहते हैं, तो तुम कोयोटो में अपनी स्वॉर्ट्समैनशिप को तराशने आ गए, जैसा कि मुशासी ने भी यहाँ के समुराई के बारे में पहले ही सुना था। तकवान को अभी भी लगता है कि मुशासी अभी भी घमंडी है, जो ताओ में आकर सीधा योशिका स्कूल को चैलेंज कर दिया। अभी उसे और सीखना है, आफ्टर ऑल उसकी जान भी जा सकती थी, जिस पर मुशासी कुछ नहीं कहता। लेकिन उस बच्चे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुशासी ने डेजीचिरो तक को कॉर्नर कर दिया था और तो और उनके 5 डिसिप्लिन को अकेले ही हरा दिया था। मुशासी के पूछने पर वो बच्चा अपना नाम जोटारो बताता है, जो खुद भी मुशासी की ही तरह समुराय बनना चाहता है। मुशासी के पूछने पर जोटारो बताता है कि ये सब एक बेवड़े ने सबको बताया, जो बुरी तरह से पिटा हुआ था, उसने सब देखा था और शायद उसने ही योशिका स्कूल में आग भी लगाई थी। मुशासी को अब उन बातों पर भी शक होता है और तो और वो जोटारो को उसे मास्टर कहने से मना कर देता है, क्योंकि वो किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता और वो कोयोटो को भी छोड़कर जाने वाला है। चूंकि जोटारो ने उसका ख्याल रखा, मुशासी जोटारो का धन्यवाद करते हुए बताता है कि उसे अगले 1 साल पूरे देश में घूमना है, उसे अपने स्वॉर्ट्समैनशिप पर काम करना है, क्योंकि उसने डेजीचिरो से 1 साल बाद लड़ने का वादा किया है और इसके लिए उसे स्ट्रांग बनना होगा। ये दुनिया ताकतवर लोगों से भरी पड़ी है। ताकवान उसे पूछते हैं कि क्या ये बात तुम्हें डरा रही है, बल्कि इसका उल्टा, ये बात मुशासी के इरादों को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है। मुशासी बताता है कि सबसे पहले वो नारा जाएगा, जहां जोटारो भी साथ जाने की जिद करता है। जोटारो बताता है कि नारा में बहुत से स्ट्रॉन्ग समुराय हैं, जैसे याग्यूश सेकुशाई और होनाइजन इनाई, और तो और कई लुटेरे और रोनिन भी होंगे। इसीलिए मुशासी जोटारो को साथ नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि उसके होने से सिर्फ उसे दिक्कत ही होगी। जोटारो फिर कहता है वो खुद भी समुराय बनना चाहता है, लेकिन कोयोटो में सब बस दिखावा ही करते हैं। मुशासी ताकतवर है लेकिन तराशा हुआ नहीं, जिस पर चौंककर मुशासी उसे जमीन पर पटक देता है और इससे जोटारो रोने लगता है। मुशासी उसे समझाता है कि समुराय रोते नहीं। मुशासी दोबारा ताकवान का शेव करना शुरू कर देता है और उसे खामोश देख तकवान उसे पूछते हैं कि क्या वो ओत्सु के बारे में जानना नहीं चाहता कि वो कैसी है, लेकिन मुशासी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तकवान बताते हैं कि वो नींद में ओत्सु का ही नाम पुकार रहा था, जो जोटारो ने भी सुना था, लेकिन मुशासी कुछ ध्यान नहीं देता, बल्कि ताकवान के सिर पर उनके बालों का एक चेहरा बना देता है। ताकवान बताते हैं कि एक बहुत इज्जतदार व्यक्ति के यहाँ ओत्सु को काम मिल गया है और उन्हें यकीन है कि एक दिन मुशासी फिर ओत्सु के पास जाएगा, अपने स्वॉर्ट्समैनशिप की जर्नी के दौरान ही, जो मुशासी को भी अजीब लगता है। मुशासी के मन में ओत्सु के लिए अलग जगह है। ताकवान ये भी बताते हैं कि माता हाची की दादी ग्रेनी होनाइडन अब उसके और ओत्सु के पीछे हैं। वो कुछ ज्यादा ही अपने बच्चे के लिए डिवोटेड है। वहीं कोयोटो में माता हाची के नाम का पोस्टर लगा दिया जाता है, क्योंकि उसने योशिका स्कूल में आग लगाया था और उसी भीड़ में कोई उस पोस्टर को नोच कर फाड़ देता है, जो और कोई नहीं बल्कि ग्रेनी होनाइडन है। वो माता हाची के किए पर रो पड़ती है, जो बाकी को समझ में नहीं आता। रात में मुशासी के सपने में दोबारा ओत्सु दिखती है, जिसे देख मुशासी खुद को ही कोसता है। वो अपना मन बदलने के लिए बाहर आ जाता है और इसके लिए वो ताकवान को ही दोष देता है, क्योंकि उन्होंने ही उसे ओत्सु के बारे में बताया। ये सभी चीजें उसके लिए बेतुकी हैं, क्योंकि उसने स्वॉर्ट्समैनशिप का रास्ता चुना है। वहीं योशिका स्कूल में सफाई का काम चल रहा है, उएदा रियोहाई की देखरेख में। आग अभी भी चल रही है और बचाने को अब कुछ है ही नहीं। तभी वहाँ जियोन तोजी आते ही पूछता है कि क्या ये मियामोटो मुशासी ने किया। योशिका सिजिरो भी स्कूल की हालत देख ठंडा पड़ जाता है। उएदा के पास कहने को कुछ नहीं है सिवाय माफी मांगने के। आखिर वो ये कैसे होने दे सकता है। योशिका फैमिली का नाम सब स्कूल के साथ चल रहा है। सिजिरो उन्हें सब कुछ तोड़ने का आदेश देता है, वरना आग बगल की बिल्डिंग तक भी पहुंच सकती है, जो ना चाहते हुए सबको करना पड़ता है। यही आग सिजिरो के मन में भी है, जहां वो अपने पिता योशिका कैंपो की यादों को देख पा रहा है, जो उएदा भी सिजिरो की आंखों में देख लेता है। वहीं बाहर अब लोगों में बात होने लगी है कि योशिका कैंपो के बाद अब स्कूल में दम नहीं रहा। सिजिरो तो बस एक प्लेबॉय है, जिसे वही मिला जिसके वो लायक है। उनकी बातें उएदा रोहाई भी सुन लेता
करता है, जिसकी रेपुटेशन देख सब वहाँ से निकलने में ही बेहतरी समझते हैं। उएदा अभी भी सोच में है कि सिजेरो के खून क्यों नहीं खोल रहा है, जब स्कूल के साथ योशिका कैंपो की सारी मेमोरी भी चल गई। स्कूल में काम कर रहे सभी के लिए ये मुश्किल की घड़ी है, कोई भी इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उएदा रुहाई उन्हें हिम्मत देते हुए कहते हैं कि हमें मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है, ताकि हम और भी ताकतवर हो सके। ये बस एक मौका है मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनने का, और हम पहले से भी बेहतर बनेंगे। जहाँ डेंसिचिरो आते ही उएदा से कहते हैं कि वो याग्यू के पास जा रहे हैं। योशिका कैंपो के बाद एक याग्यू ही है जिनसे वो सीख सकता है। वो मुशासी के लिए भी एक नोट छोड़ देता है जिसमें उनके अगले मैच की डेट है, और अपने पिता की यादों को प्रणाम कर वो अगले सफर पर निकल जाता है। वहीं कोयोटो के लोग देख सकते हैं कि योशिका स्कूल काफी डेस्परेट है, क्योंकि किसी रोनी ने स्कूल को आग लगा दी। स्कूल का पहले कभी इतना नाम खराब नहीं हुआ और ना ही स्कूल की इतनी बदनामी हुई। तभी वहाँ कोई और आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि जियोन तोजी है। वो उनसे कहता है कि हमारी जिंदगी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, फिर भी तुम हमारे अपमान का मजाक उड़ा रहे हो। क्या इसी तरह से तुम अपनी निराश जिंदगी में अच्छा महसूस करते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो? जियोन तोजी अपनी तलवार निकालकर उन्हें उनके मौत के दर्शन करा देता है, जो उन आम लोगों के लिए हद से ज्यादा था। इस पल से ही जियोन तोजी योशिका स्कूल का असैसिन बन जाता है मियामोटो मुशासी के लिए, जिसे वो आसानी से भागने नहीं दे सकता। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।